तो बहुत अच्छा लगा होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अनुभव चतुर्वेदी एंड आज से हम जारवेस 5.0 की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सो आज का हमारा वीडियो होगा रियल टाइम स्पीच रिकॉग्निशन बनाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली आपको अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना है जारवेस का, जो भी आप नया वर्जन बना रहे हो उस पर कंटिन्यू कर सकते हो। इसे कर लेना है पाईचैम की हेल्प से ओपन। पाईचैम की हेल्प से ओपन करना क्यों है मैं वो बता देता हूँ, बिकॉज मैं पाईचैम यूज़ करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ, क्योंकि पाइथन एडवांस डेवलपर्स ऑलवेज यूज़ पाईचैम, ठीक है। तो पाईचैम को अपने हिसाब से आप ओपन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, उसे क्या करना है आपको क्लिक करना है, नीचे राइट साइड बॉटम पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन ऑटोमेटिक, इसमें आपको क्लिक कर देना। इससे होगा क्या कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट और इंडेक्सिंग वगैरह सारी चीज़ें देख लेगा, यहाँ से आपको परमिशन देगा, परमिशन आपको यहाँ से दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है, न्यू पे जाना है, एक नई रिपोजिटरी बनानी है, ठीक है, डायरेक्टरी बनानी है, जिसका नाम रखना है कैपिटल, जैसी स्पेलिंग लिख रहा हूँ वैसी लिखना है, इससे आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बनाऊँगा लिशन, ठीक है, एक फोल्डर बना लिया लेशन नाम का, उसमें आप राइट क्लिक करना है और मुझे एक HTML की फाइल बनानी है, ठीक है। HTML की फाइल सारा, डोंट वरी, मैं सारा कोड एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। लेशन की एक फाइल बना लेनी, इसमें जो भी प्री एग्जिस्टिंग कोड है उसे यहाँ से डिलीट कर देना, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द कोड रिटर्न एंड एक्सप्लेनेशन। उसके पहले आपको एक फाइल और बना लेनी है, ठीक है, तो पाइथन की फाइल होगी, उसको आपको नाम देना है lesson.py या फिर रियल टाइम लेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, अपने हिसाब से आप जो भी लिखना चाहो लिख लो, मैं यहाँ पे रियल टाइम सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, नो नीड टू वरी अबाउट इट, दिस इज कोड एक्सप्लेनेशन वीडियो, ठीक है, तो एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, डॉक टाइप बनाया है HTML को, जब हम डॉक टाइप लिखते हैं इसका मतलब हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लैंग्वेज डिसाइड की हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर हमने इंग्लिश डाला। फिर हमने हेड टैग बनाया, हेड टैग बनाने के बाद हमने यहाँ पे मेटा UFT डिसाइड किया, ठीक है, पॉइंट व्यू डिसाइड किया जिससे हम सारे डिवाइस मैनेज कर सकें, और एक टाइटल दे दिया, ठीक है, रियल टाइम स्पीच रिकॉग्निशन, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इसे अगर आप इस पार्ट को चाहो तो स्किप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, बाकी इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, हेड टैग को कर दिया क्लोज, ठीक है। फिर हमने लिया बॉडी टैग, बॉडी टैग लेने के बाद क्या किया, यहाँ से हमने बॉडी टैग लिया और उसके बाद उसके अंदर एक डिव बनाया, डिव के अंदर कंटेनर डाला, उसके अंदर डाला बटन। अब हम यहाँ पे हमने एक बटन डाली स्टार्ट बटन, जिससे हम स्टार्ट को स्विच करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे इसे रन करो तो यहाँ पे देखो एक स्टार्ट बटन आ चुकी है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे हमने एक एंड बटन डाल दी और आउटपुट बॉक्स दिखाया। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया, एंड बटन डाली कि जब स्टार्ट बटन ऑन हो जाए तब डिस्प्ले, जब तक वो स्टार्ट बटन क्लिक ना हो तब तक डिस्प्ले ना करो, ठीक है। और आउटपुट का एक छोटा सा कंटेनर डाल जिसमें हम आउटपुट जो स्पीच करेगा उसे रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है, बेसिकली यही है। फिर हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट हमने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखा, यानी कि हमने सबसे पहले तो एलिमेंट डॉट गेट किया जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जिससे हम उससे सारे एलिमेंट्स ले सकें। स्टार्ट बटन को यहाँ से डिफाइन किया, ठीक है, और यहाँ से एंड बटन को डिफाइन किया और कनेक्ट करा दिया HTML से। लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ से रियल स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, रियल टाइम का लैंग्वेज हमने बनाया है कि रिकॉग्नाइज का लैंग्वेज होगा इंग्लिश US, ठीक है। यहाँ से रिकॉग्नाइजेशन कंटिन्यू को कर दिया है ट्रू, ठीक है। ट्रू करने के बाद यहाँ पे हमने रिजल्ट दिखाया कि रिजल्ट भी डिस्प्ले करो जो रिकॉग्नाइज करो। यहाँ पे हमने ऑन क्लिक के 3 फंक्शंस डाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट है। आई होप आप लोग देखोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। जस्ट हमने तीनों बटन्स को उनके वर्क्स डिसाइड कर दिए हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए मैंने दिखा दी कि ऑन रिजल्ट डिस्प्ले कहाँ पे कराना है, क्या कराना है, ट्रांसक्रिप्ट जो भी होगी ट्रांसक्रिप्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दो, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉग्नाइज टेक्स्ट का पे अगर कोई दिक्कत आती है, एरर आता तो डिस्प्ले करा दो, और एल्स लास्ट में जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसे रिमूव करो ताकि हम नया टेक्स्ट लिख सकें। दैट इज़ ऑल। यहाँ से हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, HTML टैग को क्लोज कर दिया। दैट इज़ ऑल अबाउट HTML कोड, ठीक है। हेलो जावा, हियर वी गो, वी आर रेडी टू यूज एंड
मेक इट फॉर पाइथन, ठीक है। तो ये तो अभी हम वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो इसे हम कनेक्ट कैसे कराएंगे बेसिकली, ठीक है। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ आप अपने क्रोम पे आ जाओ, ठीक है। क्रोम पे आने के बाद क्या करो, अपने सेटिंग्स वाले सेक्शन में आ जाओ। सेटिंग वाले सेक्शन में आके अपना चेक कर लो कि आपका क्रोम का ना कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे क्या करना, नीचे आना, यहाँ पे अबाउट क्रोम मिलेगा। अबाउट क्रोम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, कौन सा वर्जन है, ठीक है। जस्ट दो चार पॉइंट्स इसके याद कर लो कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गूगल पे टाइप करो क्रोम ड्राइवर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार हम क्यों अनडिटेक्टेबल ड्राइवर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज उसमें हेडलेस में ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही करना जो मैं बोल रहा हूँ वही करना, ठीक है। फिर इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना। मेरा यही सेम वर्जन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेबल में क्लिक करूँगा। स्टेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये इनमें से कोई नहीं डाउनलोड करना, यहाँ पे आपको क्रोम ड्राइवर मिलेगा, ठीक है ना। और मेरा विंडोज 64 बिट का है, आपका जो हो उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं गो टू द वेबसाइट करूँगा और यहाँ से मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा क्रोम ड्राइवर, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको क्लिक करूँगा और आ जाऊँगा इस वाले फोल्डर पे। इसे मैं करूँगा यहाँ से राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद करूँगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी लोकेशन जो भी आप चाहो वहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल के लिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा कोई इंटरफेस आएगा, यहाँ से करना है आपको क्रोम ड्राइवर को यहाँ से कट, और कट करने के बाद आ जाना है आपको अपने PyCharm के अंदर, और PyCharm के अंदर एक नया फोल्डर बना लो, ठीक है। लिशन के अंदर मत बनाना, और फाइनल उसके अंदर बना लेना, ठीक है। इसका नाम रखना ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर, ओके। यहाँ से एंटर करना और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो क्रोम ड्राइवर को, ठीक है। ये देखो इसके अंदर आ चुका है ड्राइवर आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलेंगे और लिखने स्टार्ट करेंगे अपना पाइथन का कोड, ठीक है, ओके। अगेन डोंट वरी अबाउट द एक्सप्लेनेशन, आई एम हेयर ओनली, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम OS इम्पोर्ट गेट CWD करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या करेगा, पाथ को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, कि हम कौन सा पाथ कहाँ पे दे रहे हैं। और बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप भी कर लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम पाइथन की फाइल ओपन करोगे या नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टाइम को इम्पोर्ट किया, टाइम को इम्पोर्ट करने के बाद सेलेनियम और वेब ड्राइवर को इम्पोर्ट किया। वेब ड्राइवर कहाँ से, सेलेनियम के अंदर से, ठीक है। सेलेनियम एक बेसिकली मॉडल है, मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर से। इसकी हेल्प से हम बेसिकली वेबसाइट्स को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। अब हम बाई को इम्पोर्ट करेंगे ताकि हम कुछ एलिमेंट्स जो है तो उसे कॉल कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे हमने ECC को कॉल कर लिया सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट्स के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर और क्रोम सर्विसेज से सर्विसेज को कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ आर्ग्यूमेंट सेट करने हैं क्रोम्स के लिए, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ जाता हूँ नीचे और यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने क्रोम ऑप्शन सेलेक्ट किया है वेब ड्राइवर डॉट, ठीक है, क्रोम वेब ड्राइवर। और दूसरी लाइन पे हमने क्या किया है, एक परमिशन दे दी है माइक की परमिशन, ठीक है, कि मीडिया UI के अंदर से सक्सेसफुली परमिशन ले ले, ठीक है, माइक जो ओपन होता है। फिर हमने एक हेडलेसली न्यू ओपन किया है, फॉर एग्जांपल के लिए करेगा क्या ये कि एक नया बैकग्राउंड में पेज खोलेगा वही वाला, ठीक है। अब वो वाला कैसे खोलेगा, तो यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले तो क्रोम ड्राइवर की इस वाले लाइन पे 16 नंबर लाइन पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस वाले लाइन पे आपको जो आपने क्रोम ड्राइवर का पाथ लिया है ना उसे कॉपी करना, एब्सोल्यूट पाथ ही करना। मैं दिखा देता हूँ, रिलेटिव पाथ में काम नहीं करेगा आपका, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, अभी रन करूँगा तो दिखाऊँगा कि काम नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम वापस इसको ही रखेंगे, यहाँ से मैंने अब यहाँ पे दे दिया पाथ, ठीक है, गेट्स कमांड का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं try.html लिखा हूँ अभी इसी के लिए, फिलहाल के लिए मैं लास्ट में चेंज कर दूँगा अपने html फाइल से, ठीक है। यहाँ पे हमने def लेशन फंक्शन का एक फंक्शन बनाया लेशन करके, ठीक है। आप चाहो तो फंक्शन नहीं बनाओगे क्योंकि इस बार हम स्क्रिप्टिंग का यूज़ नहीं करेंगे, हम इस बार AI बनाने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने स्टार्ट बटन को गेट किया है, फिर उसके बाद स्टार्ट बटन को क्लिक किया है, ठीक है, तब तक के लिए आउटपुट 0 रहेगा। फिर हमने क्या किया है, ट्राई का ब्लॉक का यूज़ किया है, एक आउटपुट फाइल यानी TXT फाइल बनाई है और उसके अंदर जो भी चीज़ वो स्टार्ट करके लेशन कर रहा है
उसे एलिमेंट से जो चीज़ हम लेंगे उसे कॉपी करके उस पर डाल देंगे, और अगर वो टेक्स्ट चेंज होता है तभी वो इक्वल होता है, अगर पहले वाले टेक्स्ट से इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमने बेसिकली छोटा सा लॉजिक लिखा है कि अगर टेक्स्ट पहले वाले से इक्वल नहीं है तो आप वो टेक्स्ट प्रिंट कर दो और सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर जारविस टेक्स्ट के अंदर है तो हेलो प्रिंट करा दो, एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया है और कोई एरर आता है तो पास कर दो, सिंपल सा। अब इससे हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा कोड है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी है, ठीक है। वो रिप्लेस क्या क्या करनी है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ड्राइवर अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको try.html की जगह जो भी आपने html का फाइल का नाम दिया है उस पाथ को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी भी एक एरर आएगा, ठीक है, ड्राइवर वाला, मैं उसको चेकआउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स रन दिस, ठीक है। सो लेट्स रन इट, आप इसे रन करोगे आपको एक बेसिक सा एरर मिलेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं हेडलेस हटा देता हूँ ताकि अगर मैं इसे रन करूँ तो आपको चीज़ें दिख सकें, ठीक है ना, फ्रंट एंड में। पहले यहाँ पे देखो एक एरर आया है। पहली चीज़ तो आपको एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करना है, ठीक है, ड्राइवर के अंदर। यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इस एरर को सॉल्व कर देता हूँ, पाथ चेंज कर देता हूँ। अब एब्सोल्यूट पाथ इसकी जगह पे यूज़ करना है, ठीक है। और आप बाकी जो चीज़ें ट्राई करना चाहो तो जब भी ट्राई करोगे तो एरर ही आएगा। मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है आपको। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसे यहाँ से हटाना है, ठीक है। ड्राइवर के अंदर जाना है, यहाँ का यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ कॉपी करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, आ जाना है, रन कर देना। मैं दिखा देता हूँ ये काम कैसे करता है। बेसिकली जब ये बैकग्राउंड में ना ये वाला पेज ओपन कर लेगा और स्टार्ट बटन दबा के वेट करेगा। हेलो जार्विस, ठीक है। यहाँ पे हेलो जार्विस डिटेक्ट हुआ और हेलो सर लिख के आ गया, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट रियल टाइम लेशन फंक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा प्रमोट करना ताकि चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।